क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, जिसमें हमें दिया है इन द गिवन फिगर इफ लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T सच दैट एंगल PRT इक्वल्स टू 40 डिग्री, एंगल RPT इक्वल्स टू 95 डिग्री एंड एंगल TSQ इक्वल्स टू 75 डिग्री, फाइंड एंगल SQT। जो ये हमें फिगर दिया गया है इसमें दो लाइन्स हैं, एक ये PQ लाइन और एक ये RS लाइन, ये दोनों एक दूसरे को T पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। जो एंगल PRT 40 डिग्री है, ये PRT ये एंगल 40 डिग्री, RPT ये एंगल 95 डिग्री, TSQ 75 डिग्री। हमें निकालना है SQT ये वाला एंगल निकालना है हमें, ठीक है। सो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे कि दो ट्रायंगल बन रहे हैं फिगर में, एक ट्रायंगल है ये वाला PRT और एक है TSQ, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल पर एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और ये थर्ड एंगल निकालेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले निकालते हैं इन ट्रायंगल PRT, इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल PRT, ट्रायंगल PRT में जो भी तीन एंगल हैं RPT, तो एंगल RPT प्लस में एंगल PRT ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल PRT और प्लस में एंगल PTR ये वाला एंगल, ठीक है। तो एंगल PTR इक्वल्स टू में 180 डिग्री, जो भी ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल्स का इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, जो कि एक थ्योरम भी है, ठीक है। और रीजन लिख देंगे इसका, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, यानी कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। इस ट्रायंगल में हमें दो एंगल्स पता है, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। PRT की वैल्यू, RPT सबसे पहले, तो RPT की वैल्यू 95 इसमें पुट कर देते हैं, RPT की जगह लिखते हैं 95 डिग्री, प्लस में PRT है 40 डिग्री, सो प्लस में 40 डिग्री, प्लस में एंगल PTR इक्वल्स टू में 180 एज इट इज। अब 95 और 40 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 135, सो ये आ गया 135 डिग्री प्लस में एंगल PTR। हमें यहां से निकालना है एंगल PTR, ठीक है, सो इक्वल्स टू में 180 एज इट इज, ये एंगल निकालना है हमें, तो 135 को करेंगे इस साइड में शिफ्ट, इस साइड में बचेगा एंगल PTR, तो PTR इक्वल्स टू में 180 एज इट इज, और 135 इस साइड में प्लस है, इस साइड में आके हो जाएगा माइनस में 135 डिग्री। 180 में से 135 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 45 डिग्री, PTR की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, ठीक है। ये एंगल यहां पर लिख देता हूं मैं, ये आ गया 45 डिग्री। अब एक कंक्लूजन निकालते हैं यहां से, RS और PQ क्या है, लाइंस हैं, एक दूसरे को T पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल होगा, ठीक है, यानी कि STQ इक्वल होगा RTPK, ठीक है, PTR या फिर RTP। तो मैं लिखता हूं एंगल STQ इक्वल्स टू में एंगल PTR, ठीक है। और इसका रीजन क्या होगा, ये दोनों एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। थ्योरम 6.1 में हमने प्रूव किया था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट, सो रीजन में लिख देंगे ये दोनों इक्वल होंगे, रीजन हो जाएगा इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब STQ की वैल्यू क्या होगी, एंगल STQ इक्वल्स टू में PTR की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 45 डिग्री, सो PTR की जगह लिख देते हैं 45 डिग्री, ये हो जाएगी STQ की वैल्यू, ठीक है। ये वाला एंगल भी क्या निकल गया हमारा, 45 डिग्री। अब देखो ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें हमें दो एंगल्स पता है, एक एंगल निकालना है, इजीली हम निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करके, ठीक है। सो अब इस वाले ट्रायंगल पर आते हैं, ट्रायंगल SQT पर, इन ट्रायंगल SQT, ट्रायंगल SQT में तीनों एंगल्स को ऐड करते हैं, ठीक है। सो एंगल है हमारा STQ, एंगल STQ प्लस में प्लस, ठीक है, प्लस में एंगल TSQ, ठीक है, TSQ यानी कि ये वाला एंगल, प्लस में एंगल TSQ और प्लस में एंगल, लास्ट एंगल कौन सा है जो हमें फाइंड करना है, यानी कि SQT। सो एंगल SQT इक्वल्स टू में 180, और रीजन क्या होगा इसका,
ठीक है, यहां पर ब्रैकेट लगाएं, रीजन क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180, सो रीजन हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ये हो गया रीजन। अब एस टी क्यू की वैल्यू हमने 45 निकाली है, इसकी जगह पर पुट करते हैं, ये हो गया 45 डिग्री, प्लस में टी एस क्यू की वैल्यू हमें 75 गिवन है, ठीक है, यहां पर भी लिखा हुआ है, सो टी एस क्यू की जगह पर लिख देते हैं 75 डिग्री, प्लस में SQT एंगल SQT इक्वल्स टू में 180 एज इट इज, ठीक है। अब इसे ले आते हैं यहां पर सोल्व करते हैं, देखो यहां पर दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे, 45 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 120, ठीक है, दोनों को ऐड करने पर हो गया 120, तो लिखते हैं 120 डिग्री प्लस में एंगल SQT और इक्वल्स टू में 180 एज इट इज, ठीक है। हमने क्या किया है, इन दोनों एंगल्स को ऐड किया, 120 हो गया, उसके बाद SQT इक्वल्स टू 180 एज इट इज। हमें SQT निकालना है तो 120 को दूसरी साइड भेजेंगे, सो इस साइड में बचेगा एंगल SQT इक्वल्स टू 180 माइनस में 120, यहां पर क्या है प्लस में, दूसरी साइड जाने के बाद माइनस में, सो माइनस 120 डिग्री, तो एंगल SQT की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 180 माइनस में 120, 180 में से 120 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री, और यही हो जाएगा हमारा एंगल SQT यानी कि हमारा आंसर, ठीक है।